नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे हकलाना यानी तुतलाना के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो लोग हकलाते हैं या फिर रुक रुक कर बोलते हैं, उनका ये इलाज कैसे हो जाएगा या फिर उनका ये बोलना कैसे ठीक हो सकता है। हकलाना या तुतलाना या रुक रुक के बोलने वाला मरीज को मरीज नहीं कहेंगे, इसे आप आदत कह सकते हैं या फिर कुछ और। कई लोगों की समस्याएं होती हैं और वे कहते हैं कि मैं खुल के बोल नहीं पाता। आइए जानते हैं उस अचूक औषधि के बारे में जिससे हकलाने और तुतलाने जैसी समस्या से हमें निजात मिल सकता है। टंकड़ भस्म यानी सुहागा, इसे तवे पर भून लीजिए और उसे शहद में मिलाकर जीभ यानी अपनी जुबान पे रगड़ने से तोतलापन, हकलाना या अटक अटक कर बोलना बंद हो जाता है। तेज पात या तेज पत्र लेकर जुबान के ऊपर या नीचे रखकर चूसते रहें, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। अगला उपाय है बच, या इसे उग्रगंधा भी कह सकते हैं। बच को मुंह में रखें और लौंग इलायची की तरह इसे चूसते रहें, इससे आपका हकलाना या तुतलाना बहुत हद तक बंद हो जाएगा। अगला है कुलंजन। इस उपाय के अलावा है कुलंजन एक लकड़ी के समान ही होता है। कुलंजन को मुंह में रखकर चूसते रहने से गकलाहट दूर हो जाती है, जुबान छुरी की तरह चलने लगती है। एक और उपाय है बड़ी दुधी, अकरकरा और कस्तूरी, इन सभी को समान मात्रा में मिलाकर चाटने से जिभ्या कोयल की भांति मीठी और तेज हो जाती है। ऐसे लोग मुलेठी, लौंग और तुलसी का सेवन अधिक करें। वॉइस के प्रोफेशन से जुड़े लोग भी इसका फायदा ले सकते हैं। गायक लोग जो सिंगिंग करते हैं उन्हें अकरकरा और कुलंजन यानी मुलेठी की रखने की सलाह दी जाती है। तो ये थे कुछ उपाय जिसको करने से आप तुतलाना, हकलाना या रुक रुक के बोलना जैसी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।